अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सैयद अबरार अहमद और आज आप डायबिटीज़ आर का फर्स्ट लाइव शो देख रहे हैं। यस, डायबिटीज़ आर में हमारे साथ जो आज हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनका मैं तारुफ थोड़ी देर में कराता हूँ। डायबिटीज़ आर के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करता चलें कि यह है क्या। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हात बड़े ज़रूरी होते हैं जो उसको अपने लिए रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को टाइम देगा तो यकीनन वो सेहतमंद रहेगा। और डायबिटीज़ क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो पूरे ख़ानदान के ख़ानदान में पाई जा रही होती है, लेकिन अगर हम इससे बरवक्त तौर पर इससे हम बच जाएं, अपने आप की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सही कर लें, तो हम इससे यकीनन बच सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है डायबिटीज़ आर का जो फर्स्ट लाइव सेशन है, इसमें हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग दो सेगमेंट्स रखने जा रहे हैं। पहला ये कि उसमें डायबिटीज़ क्या है, और दूसरा ये कि जो हमारे मरीज़ों के डायबिटीज़ के मरीज़ों के जो बड़े ही मासूमाना सवालात होते हैं उसको हम लेंगे। तो हम ये प्रोग्राम के इंशाल्लाह मिड ऑफ सेशन में बिल्कुल डिस्कस कर रहे होंगे। आप इस प्रोग्राम का कैसे लाइव हिस्सा बन सकते हैं, डायबिटीज़ आप हमारा डायबिटीज़ टीवी जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर ये लाइव आ रहा है, वहाँ पर इनबॉक्स करके अपने सवालात हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनसे आप रिकॉर्ड करा सकते हैं और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट उसको जवाब दे रहे होंगे। तो हम अपने बाकायदा प्रोग्राम का जो है आगाज़ करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। आज जिन हेल्थ एक्सपर्ट को हमने मधु किया है वो आज हम ये लाइव सेशन इस्लामाबाद से कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद के मनाज हेल्थ कंसल्टेंट्स में आते हैं। आप गुज़िश्ता कई बरस से एज अ मेडिकल इंटर्निस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद में अपनी कंसल्टेशन पेशेंट को दे रहे हैं, खिदमत अपनी खिदमत दे रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास से। ओके, आज जो जिस हेल्थ एक्सपर्ट के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो यकीनन इस्लामाबाद के एक मायनास कंसल्टेंट हैं। आप गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम कि आपने कीमती वक्त में से अपने नाज़रीन के लिए वक्त दिया फॉर डायबिटीज़ आर। जज़ाकअल्लाह सर। वही आपको सर, जैसे कि डायबिटीज़ आर से सर नेम से शो हो रहा है कि हम थोड़ा सा डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड बात करेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हम अपने मरीजों के हवाले से भी लेके चलेंगे। सर, पहले तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, और सर ये पाकिस्तान में ये इतनी तेज़ी से कैसे फैल रही है। अबरार, डायबिटीज़ को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम कुदरत का एक बनाया हुआ हाजमे के निज़ाम को समझें। अच्छा। जो भी आप ग़िज़ा लेते हैं, ख़ा वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो, वो टूट के ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करती है। उस ग्लूकोज के इस्तेमाल के लिए एक जुज़ है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, वो आपका लुबलुबा बनाता है। डायबिटीज़ में दो जो ख़ासकर टाइप्स हैं इसकी, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन में आपका लुबलुबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। ओके। और टाइप टू में वो बना ज़रूर रहा होता है पर सही तरह से वो असरअंदाज नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक। इस मसले की वजह से बदन में जो ग्लूकोज की शरह, जिसको आप शुगर की शरह कहेंगे, वो बढ़ जाती है। और उस बढ़ने के नतीजे में बदन के तकरीबन तमाम तर आज़ा जो है मुतासर हो सकते हैं। ओके, अच्छा। तो ये एक तवील मुद्दत बीमारी है और इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल राइट। तो सर, इसी वजह से कह सकते हैं कि डायबिटीज मौलिक बीमारी जी हाँ है जी या बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये पूरा एक निज़ाम है कुदरत का, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से या फॉर एग्ज़ाम्पल जेनेटिक्स की वजह से अगर चेंज होता है तो वहाँ पर डायबिटीज़ का इशू आ रहा। तो सर, आजकल जवानों में डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रही है, आपका तो एक्सपीरियंस भी है, इस बारे में सर आपकी क्या ख्याल है? अगर आप आदाद व शुमार देखते हैं, बकाया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी ने एक बहुत अच्छी तहकीक की थी जिसमें ये पता चला था कि तकरीबन पाकिस्तान में हर चौथा फर्द जो है वो डायबिटीज़ का शिकार। अच्छा, चौथा। और अगर आप उन लोगों को भी साथ साथ शामिल कर लें जिनको डायबिटीज़ अभी हुई नहीं है पर होने के इम्कान हैं, तो ये शरह तकरीबन 45% तक पहुंच जाती है। बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा ये और राइट तो इसका मतलब ये सर क्या जवानों में जो ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ इतना यानी डायबिटीज़ इन यंग्स जो आजकल बड़ा कॉमन है क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक इम्पैक्ट है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑल राइट जिसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो हमने इब्तदाई तौर पर बात की थी उसकी बढ़ती हुई सतह है। ओके हमारे ज़िंदगी के मामूल में बहुत तब्दीली आई है, जिस्मानी तौर पे उस तरह हम एक्टिव नहीं रहे हैं जिस हद तक रहना चाहिए, और हमारा खाना पीना जो है वो अब ज़रा एक जंक फूड जनरेशन की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे तो इस वजह से जो है एक बहुत बुनियादी वजह ऑल राइट सर चूँकि देखिए बीमारी है वो तो आ रही है और आ गई है, नाज़रीन सर जो हमारे जो सुनने वाले हैं वो ये भी चाह रहे होते हैं कि इसका बचाव हम पहले से अगर तदबीर कर लें तो सर वो क्या तदाबीर? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है और मैं नाज़रीन से यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि बचाव एक हद तक मुमकिन है। ओके बिलखसूस टाइप 2 डायबिटीज़ का जिसमें ग़िज़ाई एतबार से एहतियात। ओके मैं उमूमन अपने मरीज़ों से ये भी अर्ज़ करता हूँ कि सुन्नती अमल है भूख रख के खाएँ, बिल्कुल पेट भरना ज़रूरी नहीं होता। ओके और जिस्मानी तौर पर वर्जिश को बढ़ाया जाए, बिल्कुल ठीक है। अब जो रहनुमाई हमें हासिल होती है इंटरनेशनल गाइडलाइंस से वो ये बताते हैं कि तकरीबन हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट आपको फिज़िकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी वर्जिश में अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। ऑल राइट तो अगर सर अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन के साथ अगर हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको गुजारें और अपने आप को थोड़ा टाइम दें तो आप कह रहे हैं क्या? बिल्कुल आप इस चीज़ को ख़ासकर जो प्री डायबिटीज़ हम जिसको कहते हैं कि शुगर हुई नहीं है होने के इम्कानात हैं उसको आप रोल बैक कर सकते हैं, वो चीज़ जो है रिवर्सिबल होती है यानी वो हल भी हो सकती है। ऑल राइट तो नाज़रीन इस सेशन को हम क्योंकि हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन विद डायबिटीज़ आर जो ज़ियाबिटीज़ से हम जो बातें कर रहे हैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डॉक्टर साहब से कुछ इस तरह से पूछ रहे होंगे जिस सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर। सर आप रेडी हैं? बिस्मिल्लाह। सर कराची इस्लामाबाद? बहुत मुश्किल सवाल किया। अच्छा सर रिहाइश गोया इस्लामाबाद में है। ऑल राइट मगर अगर आप शहर की बात करें तो कराची। और सर क्या एक बड़ी वजह? भाईचारा। ऑल राइट बहुत जो लोगों का आपस में एक मेल जोल है जो कराची में देखने को मिलता है। ओके गोया इस्लामाबाद में बहुत कुछ है, खूबसूरती है, सफाई है, पर जो एक ह्यूमन कनेक्शन है जी 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 वो कराची है। वो कराची। ऑल राइट थैंक यू सर। सर डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट? आप मेरी पसंद की बात कर रहे हैं, मैं मिल्क चॉकलेट की तरफ। मिल्क चॉकलेट की बात कर रहे हैं। सर अक्सर ज़ियाबिटीज़ के मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी चॉकलेट खा लूँ तो सर यहाँ आप क्या कहेंगे? अच्छा यहाँ पे मेरे दोस्त मेरा एक मकूला है जी जी मरीजों से भी अर्ज़ करता हूँ, खाना कुछ नहीं है ओके चखना सब कुछ। ऑलराइट असल खेल मकदार का भी होता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बदन के लिए मुसिर है। चॉकलेट और दीगर अज्जा जिस तरह हम अभी आगे भी गुफ्तगू करेंगे जो चीज़ें अचानक शुगर बढ़ा सकती हैं ओके उनसे जिस हद तक मुमकिन हो इज्तनाब करना ज़रूरी होता है। ओके लेकिन अगर कभी कभी इंसान एक छोटा पीस ले भी ले ओके तो हमारे नाज़रीन के लिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब, लेकिन ख्याल रखिए जोर फिर इस चीज़ पर होगा और एक छोटे से पीस और थोड़ा कम। ऑल राइट सर क्योंकि बात चॉकलेट्स और स्वीट्स की हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉमन है हमारी मिठाइयों का रिवाज, एक मोहब्बत को हमारे आपस में शो करता है, हम कोई मीठी चीज़ किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ खुशी में लेके जा रहे होते हैं इस तरह से। सर आज इस रुझान को भी अगर हम बदल के ज़रा नमकीन चीज़ कर लें तो शायद बेहतर हो। ओके तो सर हम अक्सर डाइट मिठाइयाँ ले जाते हैं क्योंकि मिठाइयों की हो रही है तो नाज़रीन ये पूछना चाह रहे हैं यकीन है इनमें से कि डाइट मिठाई लेके खा सकते हैं क्या? चलिए अबरार बात यह आती है कि हम चंद चीज़ों को समझें, ग़िज़ाइयत जो है किसी भी चीज़ की उसको तोला जाता है कैलोरीज़ के एतबार से। ओके कैलोरीज़ अगर एक चीज़ में शक्कर या चीनी नहीं है क्या इसका मतलब है उसमें कैलोरीज़ नहीं है? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे यहाँ। कैलोरीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट्स में मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट जहाँ 4 किलो कैलोरीज देता है
वहाँ एक ग्राम फैट का आपको 8 किलो कैलोरीज दे रहा है, दुगना है, दुगना है। तो दूसरा, अब मिठाई भले शुगर फ्री हो, मीठी तो होती है, लिहाजा आर्टिफिशियल स्वीटनेस यानी मस्नूई अज्जा जिससे मिठास आती है वो शामिल किए जाते हैं। वो अज्जा आपकी जो आंतों के अंदर पाए जाने वाले अच्छे जरासीम हैं उनकी भी सतह का उतार चढ़ाव का सबब बनते हैं। ओके, लिहाजा उससे भी इज्तनाब करना बेहतर, बहुत ज़रूरी है। तो हम बात ये अर्ज कर रहे थे कि मिठाई किसी भी सूरत में हो, बिलू मूंग बनी तो वो देसी घी में है। यस, गजाइयत उसकी भरपूर है, कैलोरीज उसकी भरपूर है, और जहाँ हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करना चाह रहे हैं, वजन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, एक्सेसिव कैलोरीज एक बहुत बड़ी रुकावट है उस रास्ते में। बिल्कुल, तो बेहतर यही है कि इज्तनाब किया जाए। ऑलराइट, ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पसंदीदा एंकर? फिर आपने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया, मैं मीर साहब का ज़्यादा कायल हूँ। अच्छा, थैंक यू सर। सर, बिरयानी या कढ़ाई? जाती पसंद की बात बिल्कुल आपकी पसंद की बात, कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। ऑलराइट, ऑलराइट सर, वजह? गोश्त खोर हूँ। गोश्त खोर हैं, ऑलराइट सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और जो ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं भी हैं, तो सर हम क्या चावल की मिकदार अक्सर ये सुन रहे होते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को कहते हैं कि कम खाएँ, बिरयानी कम खाएँ। सर, आप डायबिटीज़ के मरीज़ों के हवाले से क्या कहेंगे और जो डायबिटिक नहीं है उनके हवाले से इस हवाले से क्या कहेंगे? वही बात जो अभी हमने पिछली गुफ्तगू में की थी कि आपने जो जहन में एक चीज़ रखनी है वो एक कैलोरिक डेंसिटी यानी पोर्शन साइज, गजाइयत कितनी पाई जाती है कुदरती तौर पे खाने में। सादे उबले हुए चावलों की निस्बत बिरयानी में आपके पास कैलोरीज कहीं ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप पूरी मकदार उसकी कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कैलोरिक इनटेक बढ़ जाती है, नहायत ही कैलोरी डेंस फूड। लिहाजा हम उमूमन जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उसके अलावा जो दीगर लोग भी हैं उनसे गुजारिश ये करते हैं कि 2 हफ्ते में एक मर्तबा अगर लेनी भी है ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तजावुज़ ना करें। ऑलराइट, लेकिन इसके साथ साथ किस मकदार में ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जिसको आप पोर्शन साइज कहें, बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर एक प्लेट है, उसको हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर तक भरें। ठीक है जी, रुझान है, आपने एक रुझान देखा होगा खासकर शादी ब्याह के मौक़ों पे प्लेट पहाड़ की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो अगर आप एक प्लेट में 1/3 हिस्सा, अच्छा बिरयानी का लेते भी हैं, ठीक है, 1/3 हिस्सा आप सलाद का रख लें, ओके, 1/3 हिस्से में आप दही या रायते का कर लें, तो वो चीज़ बहुत बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप पूरी प्लेट भर के बिरयानी ले रहे हो। इस तरह अगर आप करें तो कुछ गुंजाइश निकल आएगी। ऑलराइट, ऑलराइट सर, यानी आपने जो हमारे डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं और जो डायबिटिक नहीं भी हैं, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि एक एतदाल के साथ पोर्शन साइज को कंट्रोल करके हम ले सकते हैं, क्योंकि वरना सर अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो है वो बिरयानी नहीं छोड़ता, अगर उनको फ़ौरन कह दें कि बिरयानी छोड़ दें वो डॉक्टर छोड़ देता है। हकीकत। ऑलराइट, ऑलराइट सर, भिंडी या करेला सब्जी में क्या पसंद है आपको? मुझे भिंडी ज़्यादा पसंद है। भिंडी पसंद है, ऑलराइट सर, क्योंकि बात डायबिटीज़ से रिलेटेड है और हमारे तमाम जो सुनने वाले हैं सर, क्या आप उन्हें बताएंगे कि कौन सी सब्ज़ी जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी इफादियत उसमें मिल सकती है उन्हें इसके थ्रू? सब्ज़ियों का जो बिलुमून देखने में आया है कि वो तकरीबन तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ, ठीक है, डायबिटीज़ के मरीज़ एतदाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियों में कुदरती तौर पे जो हमने पहली बात की थी, कैलोरीज कदरे कम पाई जाती हैं, लिहाजा ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो पेट भर के बिलुमून ली जा सकती है। एक और बात आपने अच्छा किया, आपने करेले लगाए हैं पीछे। बिल्कुल, अक्सर औकात लोगों का ये ख्याल होता है कि करेले के पानी से शुगर काबू में आ जाती है, ये वैसे एक मिथ है, गलत फहमी है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ज़रूर है। जो चीज़ें कड़वी होती हैं उनसे कुदरती तौर पे लुबलुबे से इंसुलिन का इखराज बढ़ता है, लिहाजा मरीज़ ये अक्सर देख सकते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने के नतीजे में बज़ाहिर शुगर का कंट्रोल बेहतर हो रहा होता है, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि ये हल नहीं है। ओके, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें मगर
करेले के पानी का आसरा ना करें। लोग उमूमन ये करके दवा करने के सिलसिले में होते हैं, वो मामला गलत है। ऑलराइट, और यानी दवाइयाँ जो मॉलेज ने उनकी दी हैं वो ज़रूर जारी रखें, वो कुछ सोच के ही, कुछ फैसला करके ही शुरू कराई गई हैं, उनको अपनी तरफ से तर्क ना करें। ऑलराइट, और लेकिन ये ज़रूर है कि एतदाल के साथ सब्जियों, तमाम सब्जियों का इस्तेमाल वो डायबिटिक पेशेंट्स कर सकते हैं। सर, क्रिकेटर या एक्टर? दोनों अपनी अपनी जगह अपना एक मकाम रखते हैं। ऑलराइट, किसी एक का इंतखाब करना आप दूसरे पे तरजीह देना वो नामुनासिब। ऑलराइट सर, इस पिक्चर में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, दोनों को ज़ियाबीतीस। यस एग्जैक्टली। आप सर, क्या डायबिटीज़ के साथ अक्सर ऐसा होता है कि खुदा ना से किसी को डायबिटीज़ हो गई और किसी को यंग एज में हो गई, ऑफिस गोइंग है, सारी चीज़ें, थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है? हकीकतन आता है। तो क्या सर, किसी भी तकलामी माफ, किसी भी तवील मुद्दत बीमारी के साथ इंसान अगर निढाल हो या उसके जो है वो डिप्रेस्ड महसूस करे तो वो गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन इस तस्वीर से एक बात आप आगे ले सकते हैं कि एक भरपूर जिंदगी गुजारी जा सकती है। ओके, जो मेरे अकब में दोनों तस्वीर मौजूद हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज है। और एक बात बताता चलूं, दोनों को इंसुलिन की ज़रूरत है। बिल्कुल, दोनों इंसुलिन लगाते भी हैं। ग्रेट, और भरपूर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। ऑलराइट, और ख्याल ये रखे कि ख़ासकर अगर हम क्रिकेट की बात करें, खेल की बात करें, तो जिस्मानी वर्जिश और ज़ियाबीतीस दोनों बहुत अच्छी तरह साथ साथ चलती हैं। उल्टा, जिस वर्जिश के नतीजे में ज़ियाबीतीस का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता। अच्छा, ऑलराइट, यानी अगर सर आपने जो बताया कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में वॉक या जॉगिंग को अगर स्टार्ट कर दें, अगर आप रूटीन में अगर आप इसको रूटीन में ले आए जी तो आपकी डायबिटीज़ बहुत बेहतर कंट्रोल हो जाए। ऑलराइट, तो मतलब ये कि हमें अपनी डायबिटीज़ अगर किसी को डायग्नोस हो गई है तो बहुत अच्छे से वो कंट्रोल कर सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल को, यानी अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूल में बेहतरी ला के डायबिटीज़ का भी कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। ऑलराइट, यकीन नाज़रीन, जहाँ डॉक्टर साहब ने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया कि खाने में क्या चीज़ होनी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी को न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज़ हुई है तो वो अब मोटिवेशन के साथ किस तरह से वो कंट्रोल कर सकता है। सर, ये एक हमारा दूसरा सेगमेंट है। नाज़रीन, यकीन जो आप देख रहे हैं ये मासूमाना सवाल, यकीन जाने ये वही सवाल हैं जो हम अक्सर अपने मॉलेज से कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप रेडी हैं? ज़रूर। डॉक्टर साहब, 5 दिन में शुगर ख़त्म, इंसुलिन की सुई वहीं मंगा के तोड़ दी और कहा कि 5 दिन के बाद ये नुस्खा पे अमल कर लो, शुगर ख़त्म हो जाएगी। सर, इज़ इट पॉसिबल और नॉट? कुदरती तौर पे ये मुमकिन नहीं। ओके, अगर इस तरह की बात की जाती है वो सब्ज़ बाग दिखाने के बराबर। अच्छा। है, बेहतर है कि इस तरह की बातों पे नाज़रीन जो हैं, ख़ासकर जो शुगर के मरीज़ हैं, वो इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा ना दें तो बेहतर है। मैं एक और बात यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ, कुछ जो भी चीज़ तवील मुद्दत ना चल सके, पायदार ना हो, उसकी तरफ रुझान पैदा करना मुनासिब नहीं है। ओके, हम अभी अगर बात कर रहे हैं वज़न कम करने के एतबार से, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी डाइट्स आई हैं माजी में भी, अभी भी, आपने शायद नाम सुना हो, एटकिंस डाइट है, कीटो डाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उमूमन मरीज़ों से ये कहता हूँ कि क्या आप ज़िंदगी भर अनाज छोड़ के गुजारा कर सकते हैं? कुछ होंगे जो शायद कहें कर लें, लेकिन वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आर्जी तौर पे, इब्तदाई तौर पे वज़न भी कम होगा, शुगर कंट्रोल भी बेहतर होगी, लेकिन ज्यों ही जब आप अनाज का अपनी ग़िज़ा में आप दोबारा शामिल करेंगे, फिर शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मेरी गुजारिश ये होती है कि जो डाइट है, जो भी आपने इख्तियार करनी है, वो ज़िंदगी भर के लिए करनी है। बिल्कुल सही। यानी अगर हम अपनी ग़िज़ा में कटौती कर रहे हैं, मैं उमूमन मरीज़ों से ये अर्ज़ करता हूँ, अगर आप 2 चपातियाँ खाते हैं, एक खा लें सही,
बहुत इतना मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ा कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें, आप आधी के बजाय पौनी से पहले शुरू कर लें, बिल्कुल ठीक है, और उस ग़िज़ा पे फिर आपने आगे कायम रहना है। ओके, अगर आज मैंने कम करके 10 किलो वज़न कम भी कर लिया, कल को मैं जब वो दोबारा शुरू करूँगा तो वो वज़न वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जो वज़न का एक उतार चढ़ाव का सिलसिला है वो भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। आज जो आप अपने लिए फैसला करते हो, मिसाल के तौर पे मैंने अपना वज़न कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके लिए मैंने अपनी ग़िज़ा में भी कटौती करनी है, वो कटौती करूँ और उस पर आगे कायम रहूँ। ये जो फैशन डाइट्स हैं जो वाकई नतायज आपको वो देंगी, बहुत जल्दी भी देंगी, लेकिन वो पायदार नहीं होंगी। ओके, जो चीज़ पायदार है वो ग़िज़ा में कटौती है। ओके, और उस पर आगे भी अमल करते रहे। ऑल राइट, ऑल राइट, और अपने मॉलेज के बताए हुए तरीकों पे चलते रहें। ऑल राइट, तो इससे हमें नाज़रीन, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो तमाम बातें हैं यकीनन हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो इनकी गुफ्तगू से जब हमें ये पता चला कि 5 दिन में जो ज़्यादतीज़ का मर्ज़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो माइट बी पॉसिबल अगर ऐसा कुछ कहीं कोई मरीज़ करता है तो शायद वो अपना नुकसान, हकीकत क्या ये दोबारा से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अगर हो भी गई, अगर किसी ने ये लिख के लगाया है, यकीनन लगाया हुआ है, तो क्या ये दोबारा फिर क्या बहुत बड़े इम्पैक्ट के साथ आती है वापस? मेरे दोस्त, हकीकतन तो जाती ही नहीं है। अच्छा, वो छुप जाएगी शायद। ओके, छुप जाती है, छुप जाएगी। ओके, अगर आपने मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट इंटेक यानी अनाज का सिलसिला बिल्कुल बंद कर लिया, ओके, आप देखेंगे मौजाना तौर पे शुगर काबू में आ रही है। बिल्कुल, लेकिन वो उस वक्त तक होगी जब तक आपका ये सिलसिला चलता रहे। ओके, जो ही आपका मामला पुराने पर बहाल होगा, वज़न भी आपका उसी तरह बढ़ जाएगा और शुगर उसी तरह स्पाइक करना शुरू कर। ऑल राइट, यानी वो उससे दुगनी मकदार में भी वापस वो आ सकती। ऑल राइट, आगे चलते हैं सर। योर इंस्पिरेशनल पर्सन इन योर प्रोफेशनल लाइफ? बहुत ज़ाती सवाल है। ऑल राइट, कोई मसला नहीं है सर। आप जो अगर मैं बात करूँ इस शोबे में आने, जी जी, इस शोबे में आने की, इस शोबे में आने की एक बहुत बड़ी वजह मेरे अपने वालिद साहब की ख्वाहिश थी। वो खुद इस शोबे में आना चाहते थे पर हालात ने शायद आने नहीं दिया। okay. तो रूबरू उनका ख्वाब पूरा करते करते अपना ख्वाब बन गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, इट्स क्रिस। के अलावा अगर आप प्रोफेशनल उसकी बात करते हैं, दो लोग हैं जिनकी देखा देखी इस शोबे में आगे बढ़ने की भी ख्वाहिश हुई। एक मेरी खाला हैं, ओके, माशाल्लाह, बजाते खुद फिजिशन हैं, माशाल्लाह, और एक मेरे ससुर हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दोनों अपने तई अपने फील्ड में बहुत जाने माने नाम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ग्रेट सर। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वज़न का कम करना जो है वो एक शादी की तरफ होता है, क्या वज़न का कम करना हम ज़्यादती से भी बच सकते हैं? जी हाँ अबरार, आपने बहुत अच्छी बात की। हमने इब्तदाई तौर पे जब बात की थी, ख़ासकर जो डायबिटीज़ की एक किस्म है टाइप 2 डायबिटीज़, उसका बुनियादी मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में यह है कि लुबलुबा इंसुलिन बना तो रहा है पर उस तरह से वो असर नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह, बहुत सारी वजूहात में से एक सबसे बुनियादी वजह, वज़न की ज़्यादती है। ओके, लिहाजा अगर वज़न को कम किया जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है, ज़ियाबीतीस अगर है तो वो बेहतर हो जाती है, अगर नहीं है तो उसके आने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। ओके, लिहाजा आपकी बात बिल्कुल बचा है, बचा जा सकता है। ओके, यानी नाज़रीन अगर हम वज़न को अपना एक एतदाल के साथ, जो BMI एक हमारा होता है उसके साथ अगर लेके चलें, तो यकीनन हम ज़ियाबीतीस से यानी मौलिक बीमारियों से बच सकते हैं, और यकीनन जो हम यानी जो दूसरी ख्वाहिशात हैं हमारी लाइफ की, वो भी हम उसको पूरी कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। ऑल राइट सर, अक्सर ये सवालात आते हैं मरीज़ों के जब वो डायग्नोस हो जाती है उनको, सर कुदरती तौर पे कैसे बच सकते हैं? जितने भी हमारी रहनुमाई के लिए अद्वियात के भी एतबार से, जिसको आप एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है, एक लिस्ट होती है कि आपने किस तरह से चलना है, अद्वियात से पहले जो इब्तदाई तौर पे चीज़ लिखी हुई लिखी जाती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, मतलब अपने तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी लाना। ओके, जिसमें वज़न की कमी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर नहीं भी है तब भी वज़न को मामूल पे रखना, इसके अलावा वर्जिश का सिलसिला,
एक हेल्दी लाइफस्टाइल। बेहतर से बेहतर चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि 6 से 10 हज़ार कदम रोज़ाना चलें। रोज़ाना तमाम तरफ मोबाइल्स में स्टेप काउंटर्स मौजूद हैं, इजी है, बहुत बहुत आसान है, जेब में आपके मोबाइल होता है, और चलने फिरने से आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है, आप अपनी स्टेप्स की गिनती करते रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ पता नहीं क्या वजह है, मगर जो भी चीज़ें सेहत के लिए बुरी होती हैं तबीयत उनकी तरफ ज़रूर माइल होती है। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हमें हाथ रोकना पड़ता है। ओके। मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज अपने आप को ना करें। ऑल राइट। मीठी चीज़ों की तरफ, कैलोरी डेंस चीज़ों की तरफ दिल आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर हाथ रोकेंगे, चखने में कोई हर्ज नहीं, जिस तरह मैंने अर्ज किया डायबिटीज़ नहीं है, चखने में भी कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने से बहुत बचाव हो सकता है। ऑलराइट। तो सर क्या जो वो लोग जो डायबिटीज़ के बहुत करीब है, जिन्हें प्री डायबिटीज़, सर वो रिवर्स हो सकते हैं अगर ये लाइफस्टाइल? प्री डायबिटीज़ की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि ये रिवर्सिबल है। ओके। इस चीज़ को जितने जल्दी रिवर्स किया जा सके उतना ही डायबिटीज़ से बचा भी जा सकता है। मैं ये यहाँ पे ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ ख़ासकर नाज़रीन के लिए कि जो भी हम तब्दीली लेके आते हैं अपने तर्ज़ ज़िंदगी में उस पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। एक फ़ैसला करें कि मैंने अपने आप को सेहतमंद रखना है। ओके और उस पर फिर कायम रहें। उस पर कायम रहना। सर यहाँ पे एक आप बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर हम फॉर एग्जांपल जो आपने डेली स्टेप्स काउंटर की बात की कि एक छोटी छोटी मोटिवेशन है, 6000 आज करा तो कल हम 6500 कर लें, एक अपने आप को खुद टारगेट दे रहे हैं। आप सर क्या डायबिटीज़ जो है वो नस्लों में चलती है या मोटापा एक वजह साबित हो सकती है, या अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेरेंट्स में है तो क्या उनके बच्चों में आने के चांसेस हैं? क्योंकि ये सवाल थोड़ा उससे भी रिलेटेड है कि हम थोड़ा बच सकें और जो हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वो उन तक ये फ़ायदा पहुँच सके। डायबिटीज़ और बहुत सारी और बीमारियों को मल्टी फैक्टोरियल कहा जाता है, यानी इनके पीछे होने की एक से ज़ायद वजूहत होती है। मौरूसी क्या कहना, जो मामला है वो एक हद तक होता ज़रूर है डायबिटीज़ में, यानी अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में ख़ासकर माँ बाप बहन भाइयों में डायबिटीज़ है, मतलब आपकी एक फैमिली हिस्ट्री है, तो आपका आम आदमी से होने का ज़्यादा इम्कान है। ओके। लेकिन जिस तरह हमने इब्तदाई तौर पे अर्ज़ किया था मल्टी फैक्टोरियल यानी एक से ज़्यादा वजह, तो ये नहीं है कि अगर वालदैन को डायबिटीज़ है तो लाजमी तौर पर आपको होगा। ओके। लेकिन हाँ दीगर लोगों से ज़्यादा इम्कानात हैं आपको होने के, लिहाजा आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात, इस बात का भी और ख्याल रखा जाए कि ये नहीं कि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक डायबिटीज़ नहीं है लिहाजा मुझे एहतियात की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये बात भी गलत है। ओके। अक्सर औकात ख़ानदान में किसी को भी नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फ़र्द को हो सकती है। ओके। लिहाजा हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी हर एक के लिए बराबर की अहमियत रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट सर, अक्सर मरीज ये कहते हैं कि मुझे इजाज़त मिल गई है डॉक्टर साहब की तरफ से कि मैं सारे फल खा सकता हूँ। सर इसमें कितने फ़ीसद सच्चाई और इसको मरीज़ कैसे ले? चलिए अबरार, फिर बहुत अच्छा सवाल आपका। यहाँ पे नाज़रीन को एक बात मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत है, और ये मैं मरीज़ों से भी अर्ज़ करता हूँ। एक चीज़ है जिसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। ऑलराइट। सादा ज़बान में अगर मैं अर्ज़ करूँ तो एक खाने को खाने के नतीजे में बदन में जो ग्लूकोस है यानी जो शुगर है वो कितनी तेज़ी से बढ़ती है, उन खानों को हम हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स कहते हैं, जिनके खाने के नतीजे में अचानक शुगर बढ़ जाती है। दूसरे तरह से मैं ये कहता हूँ कि क्या मसलहत है कि हम रोज़ा इफ्तार खजूर से करते हैं? 16 घंटे का आपका रोज़ा गुजरा है, बदन में शुगर का तनासब बहुत गिर चुका होता है, इंसान निढाल भी हो रहा होता है, तो किस तरह से अचानक उसको बढ़ाया जा सकता है? तो खजूर एक ऐसी चीज़ है जो इसके लिए बहुत अच्छी है, शुगर बढ़ जाती है फौरन। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए यही वजह है कि हम खजूर को मना करते हैं। ओके। चूँकि वो अचानक शुगर का तनासब बदन में बढ़ा देता है। ओके। अब हम आप बात कर रहे थे फलों के एतबार से, जो फल
खजूर की तरह शुगर को अचानक बढ़ाएंगे उनसे इज्तनाब ज़रूरी है। ओके बहुत सिंपल हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया। यानी मिसाल के तौर पे अंगूर, ओके अचानक शुगर बढ़ा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। केला, अगर मैं फेरिस की बात करूँ जो आपने पीछे रखा, जी जी आपने देखा होगा जो टेनिस के खिलाड़ी होते हैं, जी 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 अक्सर होता खेल के दरमियाने वक्फे में वो बैठ के पानी तो पियेंगे लेकिन उसके अलावा आधा केला खाएंगे। क्या वजह है उसकी? हम यही कहेंगे इंस्टेंट एनर्जी, ओके फौरी तौर पे ग़िज़ाइयत मिल रही है, जान में जान आ जाएगी। और उसके पीछे वजह यह है कि अचानक शुगर बढ़ेगी, लेकिन जो शुगर का मरीज है उसके लिए चीज़ नामुनासिब है। ओके तो बेहतर ये है, खासकर गोया के मौसम जा रहा है, तकरीबन चला गया है, आम में भी यही खासियत पाई जाए। सर ये तो हमारे मरीज आपसे जानना चाहेंगे जो देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आम भी खा लें और शुगर भी कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं उमूमन जो अपने मरीजों से अर्ज करता हूँ, और हमारे यहाँ रमज़ान की सौगात में भी एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम फ्रूट चाट कहते हैं। बिल्कुल सही है। यस यानी कोशिश करें सेब, नाशपाती, अमरूद, इनकी आमेजिश ज़्यादा हो। ओके अंगूर के एक दो दाने, बिल्कुल ठीक है, आम के दो तीन दाने, ठीक है, ज़्यादा ना रखें। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा बोल उसका अगर आप ले लेते हैं तो आपको फल भी मिल गया, मुँह का जायका भी अच्छा हो गया और उस हद तक शुगर बढ़ने के इम्कान नहीं। ओके यानी कि सर बहुत ही स्पेसिफिक और हेल्दी फ्रूट चाट अगर हम बना लें, लेकिन सर फ्रूट चाट का एक ऑप्शन मैंने ये देखा है अक्सर कि उसमें थोड़ा क्रीम भी हम देखिए अपनी लज़्ज़त के खातिर। फ्रूट चाट नहीं रही वो, तो फ्रूट क्रीम की डिजर्ट बन गई। ओके हमारा कहने का उससे बचना है, सादा फल। ओके आप जो है बीच में अगर मसाला जात इस्तेमाल करना चाहें लाइट कर सकते हैं, लेकिन जूस से इज्तनाब करें। ओके जूस से इज्तना अक्सर हम ऊपर से जो है जूस और वही चीज़ बाजुबाद जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स की चीज़ें हैं जो अचानक शुगर की सतह बढ़ा देंगे उनसे इज्तनाब करें और एक छोटा बोल रखें। ओके और बात वही हुई, बोल को ऊपर तक पहाड़ की माने नहीं बना और क्योंकि डॉक्टर साहब आपने कहा है बॉल, तो ऐसा ना हो कि बोल के नतीजे में बोल इतना बड़ा भी हो सकता है इतना भी हो सकता है। अच्छा वो आपने डिफाइन कर दिया, छोटा बोल ऊपर तक ना भरें, लेकिन ये है कि फिर आपको एक चीज़ से लुत्फानंदोज होने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ शुगर आपकी उस तरह बढ़ेगी नहीं। लेकिन अकेले केला, अंगूर, आम वगैरह इनसे इज्तनाब, ये ग्लाइसेमिक लेवल्स बढ़ा सकते हैं, ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स हैं जिनसे अचानक शुगर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ऑलराइट तो सर आपने यहाँ पे फलों का जो एक मिकदार है वो आपने तमाम मरीजों को बता दिया, और आम की किस तरह हमें ले यानी कि मरीज़ किस तरह ले सकता है उसको भी आपने बता दिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैं खाना खाने के बाद मरीज़ ये कहता है कि मैं डाइट कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। अच्छा हमारे यहाँ एक गलत फहमी है, समझा जाता है कि जो डाइट ड्रिंक्स हैं वो रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक से बेहतर हैं। ओके इब्तदाई तौर पे जब आपने मिठाइयों की भी बात की थी, शुगर फ्री मिठाइयों की बात की थी, मिठास तो होती है और वो मिठास मस्नूई तौर पे पाई जाती है। जो अज्जा उसके लिए इस्तेमाल होते हैं वो मस्नूई मिठास देने के लिए वो आपके आंतों के अंदर पाए गए अच्छे जरासीम की भी सतह में उतार चढ़ाव का सबब बनते हैं, और वो हकीकतन अब तहकीक में देखने को आया है कि वो आपके शुगर लेवल्स को मज़ीद उतार चढ़ाव का सबब उसके लिए बन जाए, बन रहा है, लिहाजा छोड़ ही दें तो बेहतर है। और मैं अगर अपनी बात करूं, पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है। क्या बात, क्या आदत डालने की बात होती है। ओके लेकिन पानी से बेहतर कोई मशरूब नहीं है। और सर अक्सर क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक का बड़ा रुझान है, तो यानी कि डाइट कोल्ड ड्रिंक के हवाले से एक बड़ा मिथ है हमारे यहाँ के डायबिटीज़ का मरीज इसको बड़ा एक कॉमन ले रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ रहा, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये कहते हैं कि इसको हमें लेना ही लेना है, तो सर क्या हमें बिल्कुल स्टॉप कराना पड़ेगा या उसको शिफ्ट करना पड़ेगा किसी जूस वगैरह की तरफ या? अच्छा चलें आपने एक और अच्छी बात कर ली, बेहतर है कि तर्क कर लें। ओके चूँकि गोया इसको पीने के नतीजे में शुगर तो नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन
जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, जो आपकी आंतों के अंदर पाए जाने वाले अच्छे जरासीम हैं उनके साथ ये ज़रा एक मदाखलत ज़रूर करें। ओके, ओके, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है मरीज़ को नज़र तो नहीं आ रहा होगा। जी ठीक है। दूसरी, हमारे हिसाब किताब में ज़रा एक गड़बड़ आ जाती है। ठीक है। इंसान कुदरती तौर पर जब खाना खाता है उसको अंदाज़ा हो रहा होता है कि मैंने ज़्यादा खाया है कम खाया है, जब वो डाइट ड्रिंक ले लेता है तो वो खाने में बिलुमू अपने साथ ज़्यादती कर लेता है कि यार मैंने डाइट ड्रिंक पी है, ग़िज़ाइयत तो नहीं गई, चलिए मैं ये एक चमचा ये और डाल के खा लेता हूँ। तो आपका जो एक अपना बैलेंस है, जो एक क्या कहना चाहिए, जो आपकी एक सोच है ग़िज़ाइयत के एतबार से, वो मुतासिर ज़रूर हो जाती है। ना दानिस्ता तौर पर हम अपने साथ ये ग़लती कर जाते हैं। ओके, बेहतर ये वाकई पाया गया है कि लोग जो डाइट ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अपने इनटेक को यानी अपने खाने पीने के मामूल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी उसको मामूल से कदरे कम समझते हैं, फिर अपने साथ ज्यादती हो रही होती है। ऑलराइट, ऑलराइट। क्योंकि सर बात हो रही थी डाइट ड्रिंक्स के हवाले से, फ्रूट्स के जूसेस सर आजकल, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल ये उससे रिलेट होता हुआ है कि हम सर जो जहाँ पे लिखा होता है शुगर फ्री जूसेस टेट्रा पैक में होते हैं, तो सर अच्छा इस सवाल का थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है आपका। दोबारा आपके सारे सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं अमूमन मरीजों से क्या अर्ज़ करता हूँ, एक नशिस्त में आप कितने माल्टे खा लेंगे? 4, 5, 6, 7। आपका आपकी माशाल्लाह सलाहियत मुझसे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा मैं तजावुज़ नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक ग्लास माल्टे के जूस में कितने माल्टे लगेंगे? तकरीबन 7 से 8 तकरीबन। मुझे एक मरीज का एक माल्टा खाने पे एतराज़ नहीं है। ओके। उस जूस पीने पे एतराज़ इस वजह से है कि आप खुद तराजू में तोल लीजिए, कहाँ एक माल्टा कहाँ 8 माल्टे। ओके। जूस पीने में अव्वल तो पेट नहीं भरेगा। ओके। मशरूब की सूरत इख्तियार कर रहा है, ज़्यादती हो रही है, कैलोरीज भी ज़्यादा जा रही हैं, और ये नहीं कि फल में शुगर नहीं पाई जा रही, मुख्तलिफ किस्म की शुगर है, ग्लूकोस न सही फ्रुक्टोस है, मगर उसके हाजमे का निज़ाम भी कमोबेश वही है। ओके। तो एक माल्टा फाइबर भी अच्छा आपको मिल रहा है, आराम से सिलसिला चल भी जाएगा। 8-9 माल्टे एक ग्लास में, वो फिर हमने गलती कर ली। तो ये वजह है कि हम जूसेस की निस्बत कहते हैं कि आप पूरा फल खा लो। ओके, ओके। जूसेस पे ना जाए, ना जाए। तो नाज़रीन यहाँ पे हमें ये पता लगा डॉक्टर साहब से कि खाने के बाद डाइट ड्रिंक्स को हमने थोड़ा तर्क करना है, पानी की तरफ आना है, और शायद मैं समझ रहा था कि मैं जूसेस को ऐड कर दूं, बट वो डॉक्टर साहब बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज यू वांट बेस्ट फॉर योर पेशेंट्स और जो हमारे सारे नाज़रीन हैं उनके हवाले से बड़ी आसान सी एग्जाम्पल में आपने जूसेस का आपने बता दिया कि क्या उसकी अफादियत है और क्या नहीं है। चूँकि सर हमारे प्रोग्राम का जो जो पूरा मौजू है अब अपने इख्तिताम की तरफ है, सर इसके बाद हम आपसे एक चाहेंगे कि वो एक होम टेक मैसेज जो ज़्यादतीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, और उनके मॉलेज ने अगर उनको कोई दवा दी है उसके बारे में कोई ताकीद। जज़ाकअल्लाह अब्रार। इस चीज़ को नाज़रीन अगर मैं यूँ लेके चलूँ, जिन लोगों को ज़्यादतीज़ नहीं है तो हकीकतन उससे बचा जा सकता है, ठीक है, जिन लोगों को ज़्यादतीज़ है उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ये ज़रूर देखना है आपके मुआलिज ने आपके लिए शुगर की कुछ सतह बयान की हुई होगी कि खाली पेट आपकी कितनी होनी चाहिए, खाने के 2 घंटे बाद कितनी होनी चाहिए, और इनफरादी तौर पर चूँकि ये हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है, जो आपका HbA1c है जो 3 महीने की शुगर की अक्कासी करता है, आपके लिए इनफरादी तौर पे वो कितना होना चाहिए, ये वो टारगेट्स हैं, वो मनाजिल हैं जिनको हमने हासिल करने हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने तर्ज ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आएं, वर्जिश को एक मामूल बनाएं, खाने पीने में एतदाल लेके आएं जिसमें पोर्शन साइजिंग यानी मकदार हम कितनी ले रहे हैं, अगर हम रोटी सालन भी ले रहे हैं 1/3 सालन का रखें, 1/3 हिस्सा सलाद का रखें, अगर आप दही या रायता कोई इस्तेमाल कर रहे हैं वो बकिया तिहाई में उसको शामिल किया जा सकता है, जहां 2 रोटियां खा रहे हैं वहां पे उसको 1 कर दीजिए,
बाज़ार के खाने गोया लजीज ज़रूर होंगे लेकिन अक्सर औकात ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इज्तनाब करें, घर के खाने पीने को तरजीह दें साथ साथ में, और इसके अलावा जो आपको अदवियात बताई गई हैं वो आपके दीगर मसाइल को पेश नज़र रखते हुए उनका एक फ़ैसला किया जाता है। हमें अक्सर औकात वाकई लगता है कि अदवियात ज़्यादा हैं। ज़ियाबीतीज़ के मरीज़ों को ज़ियाबीतीज़ के अलावा भी बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। कोलेस्ट्रॉल का भी मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है, मेदे के निज़ाम में भी मसाइल आ जाते हैं। तो आपकी जो अदवियात होती हैं, जो गोलियां होती हैं, वो इन तमाम तर मसलों को पेश नज़र रखते हुए आपके लिए तजवीज़ की जाती हैं। और यकीन मानिए, ज़्यादातर नुस्खों में आपको कोई फालतू दवा नज़र नहीं आएगी। हर दवा का एक मकसद है, उसको पूरा करना है। लिहाजा जो आपको एक चीज़ तहरीरी तौर पर दी जा रही है उसके साथ इंसाफ करना आपका काम है। डायबिटीज़ हल करना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। आपका मौलिज अकेले नहीं कर सकता, आप अकेले नहीं कर सकते, ये एक मिल के करने वाला मामला है। आपके घर वाले, आपके चाहने वाले, आपको बताने वाले और आपका इलाज करने वाले, सब ने साथ मिल के चलना। ऑल राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही मुख्तसर से वक्त में आपने बहुत अच्छी और मुफीद बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाईं। और यकीनन ये वो बातें हैं जो सिर्फ ज़्यादतीज़ के मरीज़ों के लिए नहीं हैं, हम तमाम लोगों के लिए हैं। जैसे हमने शुरू किया था कि पाकिस्तान में जो ज़्यादतीज़ बढ़ रही है, यकीनन हमें उससे बचना है, इस मौलिक बीमारी से। डॉक्टर साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से अपने नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यकीनन आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इससे आपने तमाम ज़्यादतीस और ज़्यादतीस से रिलेटेड जो आगाही आपको मिली है और जो सवालात के आपको जवाबात मिले होंगे, यकीनन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर आज का जो हमारा प्रोग्राम डायबिटीज़ आर का जो लाइव है फ्रॉम इस्लामाबाद, ये जो हमारा डायबिटीज़ टीवी ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आ रहा है, इस पर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम डायबिटीज़ आर के लिए अपने होस्ट सैयद अबरार अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।